अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो भी ब्रांड की जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अभी बैठी हूँ। और प्लस अभी ब्रांड की तबियत तो मतलब 80% ठीक है, उसको 20% रिलीफ मिला है क्योंकि उसके डैडी उसको दोपहर में देवनार घुमा के लेकर आए हैं। और मैं थोड़ा सा एक क्लिप ऐड कर दूँगी, वो जो घूम के आई बकरा मंडी, तो बहुत परेशान करी थी, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि एक बार बाहर जाएगी वहाँ पर तो थोड़ा ठीक हो जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा वो ठीक हो गई है। तो अभी वो सो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो दवा पी के ये सो रही है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि ये उठ जाती है ना तो बहुत डिस्टर्ब करती है, मतलब बीच बीच में आती है, मैं दिखाऊँगी, मैं बोलूँगी, मैं करूँगी, तो इसके लिए चलिए मैं फटाफट से आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं आपको हुरैन का एक एक सामान दिखा दूँगी और एक एक रीज़न भी मैं आपको बता दूँगी। तो मैंने हुरैन की सबसे पहले कपड़ों की शॉपिंग की है, मतलब ईद की शॉपिंग जो देखा जाए तो मैंने नहीं की, मैंने एक ड्रेस ऑनलाइन से बुक किया था, वो ब्लैक एंड वाइट वाला, डॉट वाइट वाला, वो अभी मैं क्लिप ऐड करूँगी तो आपको पता चलेगा, वो आज के दिन मैंने हुरैन को पहनाया था। और ये सारी शॉपिंग जो मैंने की थी ना, तो हुरैन के बर्थडे की शॉपिंग की थी, ये हुरैन को पसंद आया है, बट ये सिंगल पीस वो नहीं पहनेगी, उसको इसके नीचे लेगिंग्स चाहिए या जीन्स चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग कल खरीद लेते थे, बट क्या था ना कि हुरैन की तबीयत ख़राब हो गई, उसको अचानक से मतलब बीमार तो पड़ी वो, और फिर लेकर आते टाइम ना उसको ठंडी लगती है, तो हम लोग सोचे थे कि मार्केट जाएंगे, मार्केट से होते रहेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रॉक मैंने हुरैन के लिए यहाँ पर शिवाजी नगर से लिया था, और यहाँ पर एक ड्रेस है, ये तो मैंने ऑनलाइन से बुक किया था, इसकी भी क्लिप है, अगर हुआ तो मैं ऐड कर दूंगी। ये नीचे गरारा टाइप का है और ये ऊपर ये प्लाजो, ये कमीज है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट कैसा है ना कि ये जो है वॉश में जाएगा। और उसके बाद ना मेरा मोस्ट फेवरेट, ये मैंने सोचा था हुरैन को ट्यूशन पहना के भेजूंगी ये वाला, और ये वाला नहीं, ये तो हम कहीं जाते तो उसको पहना देते, मैंने तीन ड्रेस वो सोच के माइंड सेट करके मिल लिया था। और एक तीसरा ड्रेस कि हुरैन को मैं स्कूल पहना के भेजूंगी, ये अम्मी ब्रांड का, मतलब ये तीनों ड्रेस में सबसे महंगा ड्रेस यही है हुरैन का। ये उसके नीचे की पैंट है, और पैंट में ना यहाँ पर लेस के साथ साथ ये छोटा सा कट लगा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और ये कलर हुरैन अभी तक पहनी भी नहीं थी, तो मैंने यही कलर लिया हुरैन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मैंने मेरी अपनी सेविंग से खरीदा है, अच्छा लग रहा है ना। अब आते हैं हुरैन के थोड़े से डेकोरेटिव मटेरियल, क्योंकि बलून नहीं खरीदे, बलून यहाँ पर स्टिक नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पूरी दीवार भीगी हुई है, टाइल्स भी ना ऐसे पसीने की तरह ना पसीज रही है, तो इसके लिए यहाँ पे बलून भी स्टिक नहीं हो सकता। थोड़े बहुत बलून मेरे पास है, वो मैं डेकोरेट कर दूंगी, बाकी ये मैं एल्सा वाला बर्थडे का वो जो लेबल रहता है वो मैं लेकर आई हूँ। और ये तो हम लोग खरीद लिए, बट कैसा है कि ये काफ़ी बड़ा है, अब हम लोग का दिमाग नहीं चल रहा है कि इसको हम लोग कैसे अरेंज करें, ये काफ़ी बड़ा है, मतलब देखते हैं कुछ ना कुछ आइडिया लगाएंगे। और एक ये पॉपर, पार्टी पॉपर, ये हम लोग फर्स्ट टाइम खरीदे हुरैन के लिए, चमकी वाला भी, ग्लिटर वाला भी मिला था, बट ग्लिटर वाला थोड़ा साफ करने में मुश्किल हो जाती, इसके लिए हम लोग पेपर वाला खरीदे हैं। और ये बता दूँ बारिश में भीग चुका है, पता नहीं उस दिन काम करेगा कि नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो दूसरा ले लेंगे, बट हुरैन को ये चाहिए था। अरे हुरैन की वो अगर वो मोमबत्ती क्या होगी जो अपन कैंडल लाए थे, हम लोग ना ऐसा एल्सा वाला कैंडल भी लेकर आए थे, अभी मुझे याद नहीं वो मैं कहाँ पर रखी हूँ, बट मैं आपको जिस दिन बर्थडे रहेगा हुरैन का ना, तो उस दिन मैं केक के ऊपर आपको शो कर दूंगी। एल्सा वाला मतलब कैंडल है, 5 कैंडल है वो भी, और वैसे भी हुरैन 5 साल की तो हो जाएगी इंशाल्लाह। ये हो गया, अब बारी आती है कुछ स्पेशल और कुछ न्यू करने की, मतलब ये कुछ नया तो नहीं है बट मेरे लिए नया है, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दूंगी हुरैन के स्कूल में, मतलब जो उसकी क्लास के बच्चे हैं ना, मैं सोच रही हूँ कि उनको मैं रिटर्न गिफ्ट दूँ। और क्या है ना, पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, नहीं तो मैं तो इंशाल्लाह पूरी स्कूल को रिटर्न गिफ्ट देती, क्योंकि खुशी ही ऐसी होती है। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट लाई हूँ, वह मैं आपको शो करती हूँ। ये स्टोरी बुक है, ये मैं मकतब से खरीदी हूँ, और ये अप्सरा की ना पेंसिल है कार्टून वाली, इसमें की सेम पेंसिल मैं हुरैन के लिए भी लेकर आई हूँ। और ये एक पैक ना मतलब ठीक है, ये मतलब किसी को देना है, हुरैन की एक फ्रेंड को है ये देना है। तो यहाँ पर ना मैं आपको स्टोरी बुक के नाम बता देती हूँ,
हज़रत इदरीस अलैह सलाम, तो ये एक एक स्टोरी बुक है और यहाँ पर और भी है। हाँ अच्छा, ये भी थी, रहनुमाई करने वाला भेड़िया लालची कबूतर, मगर नहीं करना जब आप दे तो। तो यहाँ पर ना गाइज, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, और गिफ्ट में सबसे अच्छा गिफ्ट रिसाला होता है, तो इससे अच्छा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। मैंने ना तीन टाइप की, मैंने तीन टॉपिक की स्टोरी खरीदी है, नहीं चार टॉपिक है, और वो चार टॉपिक खरीदने का मतलब ये था कि बच्चे आपस में पढ़ के एक्सचेंज कर लेंगे, अपनी अपनी स्टोरी एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने चार टॉपिक की स्टोरी ली है। तो पहला है हज़रत इदरीस अलैह सलाम, प्यारे नबियों की ज़िंदगी पार्ट टू। तो ये आप देख सकते हो कितना अच्छा, मतलब एक स्टोरी, और प्लस फिर बच्चे हमारे इस्लाम के करीब एकदम इंक्रेज हो जाएंगे, वैसा स्टोरी बुक बहुत मिलती है। तो मुझे कुछ यूनिक सा चाहिए था, तो यूनिक सा मुझे यही मिला। ये हो गई है 10 बुक जो है, मतलब हज़रत इदरीस अलैह सलाम की स्टोरी, ये पूरी वही है। अब उसके बाद बेवकूफ़ की दोस्ती, तो ये भी अच्छे अच्छे प्रेम के साथ है। बहुत, एक आदमी जंगल की तरफ जा रहा था, मैं पूरी स्टोरी पढ़ के बता दूँ क्या बच्चे लोगों को, रास्ते में उसे एक भालू नज़र आया जो काटा लगने की वजह से तड़प रहा था। तो ये छोटी छोटी स्टोरी कैसे बच्चे पढ़ेंगे फिर, और वो अपने ही माहौल से ना वाबस्ता होंगे, ऐसे स्टोरी बुक तो बहुत मिलती है देखा जाए तो। अब ये हो गई चालाक खरगोश, ये तीसरी स्टोरी है। ये सारी प्रिंट्स, फिर उसके बाद जो आखिरी की 10 बुक है, हज़रत आदम अलैह सलाम, तो प्रिंट और ये जो पेज है ना, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, मोटे मोटे पेज है और प्लास्टिक के हैं, तो जल्दी फटेंगे भी नहीं, काफ़ी अच्छा है। ये 10 बुक्स ये हो गई। फिर उसके बाद ना मैंने छोटा छोटा ये रिसाला खरीदा है, फिरौन का ख्वाब, दूध पीता मदनी मुन्ना, 28 कुफरियात कलमात। मैं बोल, मुझे जहाँ तक पता है ना कि इतनी सारी बुक में ना सबसे ज़रूरी बुक यही है, मतलब जो जाहिल है ना एकदम, जो मुँह से कुछ भी निकाल देते हैं, कुछ भी निकाल देते हैं, मुँह से सोचते नहीं है, समझते नहीं है, तो उन लोगों के लिए ना ये बुक मस्ट है, 28 कुफरियात कलमात। मतलब मुझे ये बुक सबसे, जैसे ना मैं इसका एक छोटा सा आपको शॉर्ट फॉर्म दिखाती हूँ, 28 कलमात कुफरियात। तो ना इसकी मैं एक दो लाइन आपको पढ़ के बताती हूँ कि कुफ्र कलमे, मतलब कुफ्र बात क्या है। जैसे एक मेन पॉइंट है, अल्लाह ने हमेशा मेरे दुश्मनों का साथ दिया, ये भी कुफ्र है कहना, ये भी नहीं कहना चाहिए। हमेशा सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर भी देख लिया, कुछ नहीं होता, तो ये सब कुछ गलत है। अल्लाह ने मेरी किस्मत अभी तक ज़रा अच्छी नहीं बनाई, मतलब इसमें जो ये चीज़ लिखा है ना, अल्लाह ने मेरी किस्मत अभी तक ज़रा भी अच्छी नहीं बनाई, ये तो मैं बोलूँगी फिर भी अदब से इसमें लिखा है, फिर भी ये कुफ्र में आता है। और लेकिन लोग जब बोलने पे आते हैं, मैंने ना माज़ अल्लाह ऐसी ऐसी बात सुनी है ना, अपने कान पे हाथ रख लिया जाए, ऐसे ऐसे लोग बोल देते हैं। तो मैंने खास बुक, मैंने जब इन्होंने कहा कि ये बुक भी है, तो मैंने कहा फटाक से ये बुक ले लो, बहुत अहम है ये। और अगर ये बुक किसी को चाहिए रहेगी ना तो मुझे बता, अगर ये बुक चाहिए ना तो आप मकतब से भी ले सकते हो। अभी जैसे किसी की मौत हो गई और उस पर किसी शख्स ने कह दिया अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों भाई, वो अल्लाह को इंस्ट्रक्शन देगा, अल्लाह को वो इंस्ट्रक्शन देगा कि अल्लाह को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये भी कुफ्र में आता है। और फिर जैसे किसी की मौत हो गई और उसने कहा कि, किसी की बेटी की मौत हो गई, उसने कहा अल्लाह को इसकी हाजत होगी, अल्लाह को क्यों हाजत होगी, अल्लाह को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ भी ना कुफ्र कलमे में आती है। तो ये बहुत मस्ट बुक है, आप एक बार खरीद के ना पढ़ना ज़रूर। उसके बाद है बेटा हो तो ऐसा, और उसके बाद है नूर वाला चेहरा, और मीठे बोल, ये भी मैं बोलती हूँ बहुत मस्ट बुक है मीठे बोल, क्योंकि आजकल किसी के मीठे बोल नहीं है, तो ये भी। और ये सारी बुक्स को पैक करने के लिए मैंने मंगवाया है, मतलब मैं जाकर ले आई हूँ, ये शीट है गिफ्ट पैक शीट, बहुत अच्छे अच्छे उसमें मिल रहे थे, बट कैसा था कि मुझे स्कूल में देना है तो वहाँ पर कुछ ऐसा कार्टून चलेगा नहीं, तो इसके लिए इस पर हैप्पी बर्थडे का प्रिंट है और ये रिबिन है, तो हम लोग सोच रहे हैं एक रिसाला
एक एक अच्छे से पैक करके और ये फिर रिबिन से रैप करके बच्चे लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और ये भी देखो गिफ्ट पैक करने के लिए हम ये भी खरीद के लाए हैं। ये बहुत मतलब होता है ना कि मैं खींच के देती हूँ मुँह से, फिर ये इसके डैडी फिर स्टिक करते हैं, तो ऐसे एक अकेले से मतलब एक बार में दो बुक पैक होगी, नहीं तो वैसे एक बार में एक ही बुक पैक होगी। ये हो गया, तो अब जा रही हूँ मैं सारी बुक सारी पैक करने। और हाँ, जो ओरियन का गिफ्ट है वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो हम लोगों ने उसके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है। उसके मतलब एक ख्वाहिश है उसकी कि मुझे घर के कोने कोने में गिफ्ट मिले, तो उस हिसाब से अब हर कोने में तो गिफ्ट नहीं रख सकते थे क्योंकि अभी थोड़ा मनी प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसके लिए ना जो भी थोड़ा बहुत गिफ्ट खरीदे वो पैक करके कोने कोने में हम लोग उसके लिए अरेंज कर देंगे। उसके बाद जब ये अपना गिफ्ट ओपन करेगी तब मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि अभी मैं गिफ्ट दिखाने बैठ गई ना अगर, तो वो सो रही है वो उठ जाएगी, तो सरप्राइज सरप्राइज रहेगा नहीं। ऐसा लग रहा है वो उठने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। पक्का सो रही है? पक्का बेटा सो रहे हो? उठोगे नहीं ना? मैं गिफ्ट पैक कर लूँ तुम्हारा? ठीक है, सो जाओ। हाँ, घूम के सो जाओ। तो देखिए ये सो रही है, ये पक्का सो रही है। तो चलिए गाइस, फिर फटाफट से मैं इसको पैक कर देती हूँ। तो वीडियो में इतना ही, और गिफ्ट पैक करने के बाद अगर किल पैक करना रहा तो कर दूंगी, नहीं तो वीडियो लंबी रही तो नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।